देखा चतुर्वेदी से पंगा ले रहा था हैं? लंपर लेट हो गया ना एकदम ठो पंगा हमसे ले रहा था तो क्या है ना भाई। अरे आप लोग ना एक नंबर के घनचक्कर हैं। अब बताइए यो मैन को आप लोगों ने इतना ठोक कर दिया कि वो बेचारा हमारा शुक्रिया अदा करे के बगैर उड़ गया। अब बताओ इतना बड़ा बोझ लेके वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाएगा भाई आप लोग। लेकिन वो आपका शुक्रिया अदा क्यों करेंगे बल्कि हमको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वाह वाह बेटा वाह वाह भाई तुमने क्या सवाल पूछा है। अरे बहुत ऊपर जाओगे बड़े नामचीन पत्रकार बनोगे। देखो ऐसा है ना कि गोरिल्ला ने यहाँ पे ठोक करके रखा है और हम ही ने तो उसको बताया था। क्या आपने ह्यूमन को बुलाया था? नहीं तो क्या भाई इस फोन से फोन करके। हमें पता है कि तुम लोग हमारे बारे में जानना चाहते हो ना। अरे तो हमारा नाम है चतुर्वेदी चिंतामणि। हम फ्रेंड्स कॉलोनी के सेक्रेटरी हैं एकदम ठो वाले। प्लीज आप हमें ह्यूमन का नंबर देंगे। बोलो हटो अच्छा। अरे यार क्या भीड़ लगाए हुए हो तुम लोग। चतुर्वेदी जी। जी वो मैं आपके घर आ सकती हूँ आज शाम को? है? वो आपका इंटरव्यू लेना है एक्सक्लूसिव। प्लीज मैं आपका और यो मैन का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ साथ में। मेरा? जी क्या है कि जब तुम मेरा और यो मैन का इंटरव्यू छापोगी ना अरे तो रातों रात तुम बिल्कुल ठो हो जाओगी। वो मतलब? मतलब अरे मतलब तुम प्रसिद्ध हो जाओगी भाई। थैंक यू सो मच। पर मैं उसे कांटेक्ट कैसे करूंगी मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। अरे तुझमे कौन सी परेशानी वाली बात है हमारे पास है ना लिखो। okay, okay. जी बोल। 865-24 जी 64 ओके जी ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके बाय जी। हेलो हेलो मैं दृष्टि शर्मा बोल रही हूँ न्यूज चैनल 04 से। क्या मैं यो मैम से बात कर सकती हूँ प्लीज? सबके सब खिसके हुए हैं। अरे मैडम ये ठाणे मेंटल हॉस्पिटल का नंबर है। चतुर्वेदी का बच्चा? अरे मम्मी जी आपका सर दर्द ठीक हो गया? अरे मेरा सर दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे कमाल तो यो मैन ने कर दिया दादी कूल। गोरिल्ला को ऐसा धोया कि वो पहली बार में टाइम बोल गया। और मेरे जीजू को भी बचाया यो मैन ने। तेरे वो ही बोरिंग पार्ट था लेकिन बाकी का इतना इंटेंस था ना जो फाइटिंग किया गोरिल्ला और यो मैन ने डिशम डिशम कितना मजा आता अगर यारो भी डिशम डिशम अपिशम देखता तो। लेकिन कोई बात नहीं तुम लोगों ने देखा एंजॉय किया अच्छा लगा। तो मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि ये जो ह्यूमन है बगैर किसी गैजेट के हवा में उड़ता कैसे है नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अग्रवाल अंकल कहीं ह्यूमन भी यारों की तरह रोबोट तो नहीं है? अरे प्रेम बेटा ये तो कोई बात ना हुई। मानती हूँ कि मेरा यारो मेरा पोता कभी कभी ना वो मशीन की तरह बात करता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उसे रोबोट क्या क्या चिढ़ाओ। कोई बात नहीं दादी कूल दोस्त होते ही ऐसे हैं। उनको चिढ़ाने का पूरा हक होता है और यारो उनकी बात का बुरा नहीं मानता। हाय एवरीबॉडी हाय कैसी हो? ओह न्यू स्टाइल या गाइस टाइम हो रहा है गाड़ी बाहर खड़ी है चलो चलते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए लेकिन यारो जानना चाहता है कि एंटरटेनमेंट के लिए जाना कहाँ है। अरे मैंने बताया तो था तुम्हें हमें बारात में जाना है। वो मेरा कजिन है ना राज वो शादी कर रहा है एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए शादी करने की क्या जरूरत है उसके तो और कई तरीके हैं। अरे नहीं 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 अग्रवाल जी जैसे आप बोलते रहते हो ना नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक वैसे ये बोलती रहती है एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा 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 अरे चलो चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ चल यार चल चल
जब तक डाकू मान सिंह को मैं पकड़ नहीं लेता, यारो को मस्ती करने का कोई हक नहीं। अरे यारो तू क्या सोच रहे है, चल अब चलते हैं ना। चल चल यारो, चल, चल। नहीं अमर प्रेम, यारो बहुत दिनों से अपने मम्मी पापा से थोड़ा दूर था, तो अब यारो चाहता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करे। प्लीज सॉरी, तुम लोग जाओ और खूब एंजॉय करना। वाकई इसने ना काफी दिनों से हमें अपना वक्त नहीं दिया, हम इसके साथ अपना कुछ वक्त बिताना चाहते हैं ना। यारो चलना, मुझे दर्द हो रहा है। पर मम्मी जी, अभी अभी तो आपका सर दर्द ठीक हुआ। अरे अभी घुटनों में दर्द हो रहा है ना मेरे। घुटनों में दर्द? दादी के घुटनों में दर्द हो रहा है? मैं दादी की सेवा करूंगा, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। सॉरी, चलो चलो चलते, बाय बाय। विल मिस यू यारो, विल मिस यू। यारो जाता कि नहीं जा रहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं परेशान हूँ कि ये मम्मी जी, कभी सर में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी कहीं दर्द है, क्या नाटक है? आपकी मम्मी है। देखो मैंने कहा था ना, कितना मजा आएगा। काश यारो होता हमारे साथ तो कितना मजा आता एंटरटेनमेंट के लिए। होना तो चाहिए था उसे, पर नहीं आया। एक्चुअली ना वो भी हमें बहुत मिस कर रहा होगा। यस। यारो बेटा अपने दोस्तों को मिस कर रहा है ना? यारो के जो अपने होते हैं, यारो उनको मिस करता है, लेकिन यारो आपको भी बहुत मिस करता है। यारो बेटा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर की जिम्मेदारी तुम पर डालकर मैंने तुम्हें उस जीवन से वंचित रखा जिसके तुम हकदार हो। तो मुझे भी होता है यारो कि दादी कूल, बिल्कुल भी दुखी मत होना, क्योंकि आपने यारो को ताकत दी है, और जब ताकत मिलती है तो जिम्मेदारी खुद ब खुद अपने पास आ जाती है। और अब यारो की जिम्मेदारी यह है कि उसे डाकू मान सिंह का पता करना है और उस तक पहुंचना है, लेकिन यारो को ये नहीं पता कि वहां तक वो कैसे पहुंचे। क्या आप जानती हैं कि उसका ठिकाना कहाँ है? यारो बेटा, पहले उसका ठिकाना चंबल के घने जंगलों में हुआ करता था। वहां से जो भी ट्रेन गुजरती थी ना, वो उसे लूटकर घने जंगलों में छुप जाता था। पर जब से लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं ना, तो उसे छुपने की जगह तो मिली नहीं, इसलिए वो शहर की तरफ भाग के आ गया। लेकिन दादी कूल, यारो को समझ में नहीं आ रहा कि डाकू मान सिंह तक पहुंचा कैसे जाए। अरे यारो, उसकी फिक्र तू मत कर, वो तुम्हें खुद ब खुद मौका देगा। लेकिन कैसे दादी कूल? यारो वो डाकू है, डाकू, डाका डाले बिना तो वो रहेगा नहीं। थैंक यू, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू बाजी। अरे दूल्हे का मामा नहीं। क्या बात है यार, देख प्रेम तेरे कितना ख्याल रखती है, और तू ऐसा है उसको घास भी नहीं देता। मैंने इसे रिझा रिझा के थक गई हूँ। मैं तो क्या बोलती हूँ कि बारात तो तैयार है, वहाँ मंडप और लगन भी रेडी होगा, तो जाकर साथ फेरे भी ले लेते हैं, क्या बोलता है? अरे यार बंद कर अपनी फिल्मी नौटंकी। अरे ये तो कल्याण स्टेशन पास हो रहा है। अब अंकल अगर ट्रेन चल रही है तो स्टेशन तो क्रॉस हो गई ना। देव आप क्या चाहते हैं, ये स्टेशन भी ट्रेन की तरह पटरी पे दौड़ने लगे? अरे नहीं प्रेम बेटा, हमारे रिश्तेदार चलने वाले थे कल्याण स्टेशन से। हो सकता है फास्ट ट्रेन हो, इतनी रुकी होगी कल्याण स्टेशन। अरे तो क्या हुआ, फास्ट ट्रेन हो चाहे स्लो ट्रेन हो, ये कल्याण जंक्शन है, हर ट्रेन रुकती है, चाहे मेल एक्सप्रेस ही क्यों ना हो, है ना अंकल? हां, पर ये क्यों नहीं रुकी? तूने हमारा दिल खुश कर दो। अब एक काम कर, ड्राइवर की कनपट्टी पे चार लगा और वहाँ बेहोश कर दे, और हाथ पांव बांध के वहीं डाल दे, बाकी बाद ट्रेन के ब्रेक ऑटोमेटिक फेल कर दे।
हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। क्या डाका पड़ गया? पुणे जाने वाली ट्रेन मनमाड़ एक्सप्रेस। डाकू मान सिंह, क्या आपने चेन खींचकर ट्रेन रुकाने की कोशिश की? ओके, ट्रेन नहीं रुक रही है, आप पैनिक मत होइए, हम कोशिश करते हैं। अरे बुआ जी, फूफा जी, जल्दी से जल्दी आप अपना कीमती सामान छुपा लीजिए और अगर हो सके तो अपने आप को भी छुपा लीजिए एंटरटेनमेंट के लिए। अरे रे, ओ हो, क्या हुआ, ऐसा क्या है? डाकू मान सिंह ने डाका डाला है। डाकू मान सिंह ट्रेन में? हाँ, वो सबको लूट रहा है एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं, अब क्या होगा हम सबका? ट्रेन की चेन खींचिए। अरे मुझे चेन तक तो पहुँचते थे, पकड़ बेटा। अरे कितना जोर से खींचूं, ये ट्रेन रुक ही नहीं रही है। अरे मुझे तो लगता है मानसिंह ने ना ट्रेन के ऑटोमेटिक ब्रेक पहले ही फेल करवा दिए थे, इसलिए कल्याण में गाड़ी रुकी नहीं एंटरटेनमेंट के लिए। ये आज ही होना था, आते समय भी जब बिल्ली ने चीखा था ना, तभी मैं बोली थी कि आज जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। अरे भाभी जी, क्या चाय बनाया है आपने? अरे पी के बिल्कुल आत्मा हमारी तृप्त हो गई। थैंक यू भाभी जी। क्या है ना, ये जो खतरनाक गोरिल्ला है ना, अरे इसकी थोक अगर क्रेडिट किसी को जाना चाहिए तो हमको, सिर्फ हमको, इस सोसाइटी के चेयरमैन चतुर्वेदी चिंतामणि को एकदम ठो वाला। हाँ क्यों नहीं भाई, ह्यूमन तो आप ही हैं, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक है ना। लगता है ह्यूमन का फोन आया है। आप शांत रहिए जरा आप। हाँ बेटा डडोली। जीजू, हमारी ट्रेन में डाकू मान सिंह ने डाका डाल दिया है। क्या डाकू मान सिंह ने ठोकर दिया? हाँ। अरे डडोली, हमें कितनी बार तुम्हें समझाया कि उस फटीचा शादी में मत जाओ, अरे लेकिन तो सुनती कहाँ हो? जीजू, मेरे दिल ने कहा जा डॉली जा, जी ले अपनी जिंदगी, मैं आ गई। ये तुम परेशान मत हो डडोली, है अपने जीजू के होते हुए तुम चिंता मत करो, अरे हम योमैन को भेज देंगे, वो ना मान सिंह की ठोकर देगा एकदम। जीजू जल्दी। अरे रख डडोली। चतुर्वेदी जी, हो कि क्या हुआ, क्या डाकू मान सिंह क्या? नहीं भाभी जी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी मैं योमैन को फोन करता हूँ। हेलो 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 मिस्टर एक्स, हमारे लिए गुड न्यूज है। ओह वो क्या है, प्रीति पेट्रा? Are you serious? Oh, shut up, both of you. Come to the point, Petra. Sorry, Mr. X. अभी-अभी पता चला है, डाकू मान सिंह, जो कि हमारे रोबोटिक गुरिल्ला के बांद्रा पुलिस स्टेशन पर अटैक के दौरान अपने साथियों के साथ भाग गया था, उसने पूना जाने वाली मनमाड़ एक्सप्रेस पर डाका डाल दिया है। ये तो सिर्फ न्यूज है बेबी, इसमें गुड कहाँ है? नहीं छोटे, ये हमारे लिए गुड न्यूज ही है। योमैन डाकू मान सिंह को पकड़ने और ट्रेन के मुसाफिरों को बचाने के लिए वहां जरूर आएगा। यस मिस्टर एक्स, इसलिए मैंने गोरिल्ला का अपडेट वर्जन तैयार किया है, जो इस बार योमैन को मौत के घाट उतार देगा। नो 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 पेट्रा, नो नो मोर गोरिल्ला वॉर। आज तक योमैन अपने किस्मत के दम पर बचता आया था, लेकिन आज फिर से मैं जाऊंगा उसे खत्म करने, फेस टू फेस, और योमैन का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए फिनिश। लेकिन मिस्टर एक्स, क्या रिस्क लेना ठीक होगा? तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं बड़े, ये कहना चाहती है कि इसे उससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। Because you're my boss, not you man. मेरे रास्ते में आज तक ऐसे कई पत्थर मुझे पड़े मिले जिन्हें मैंने लात मार कर हटाया, कुछ योमैन जैसे भी मिले जिनकी जड़ें बहुत गहरी थी, लेकिन उन्हें भी मैंने उखाड़ फेंका। इसका भी वही हश्र होगा, बस मुझे एक चीज चाहिए लैब से, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। हेलो यारो, हेयर यारो, अमर बोल रहा हूँ। अमर मेरे दोस्त, अमर यारो को बहुत अफसोस है कि वो तुम्हारे साथ शादी में नहीं जा पाया। सचमुच आई एम मिसिंग यू ऑल। अरे यार दुखी मत हो कि तू हमारे साथ नहीं आया, सेलिब्रेट कर। अगर तू हमारे साथ आता ना तो हमारे तरफ भी बन जाता यार।
तुझे पता है डाकू मान सिंह ने हमारे ट्रेन पे कब्जा कर लिया यार। सच्ची? वाओ, इट्स अ ग्रेट न्यूज। दादी कूल, क्या हुआ, कैसे हुआ, जल्दी से बताओ। अरे ओ, तेरे दिमाग के वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया है क्या यार? मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि हम लोग डाकू मान सिंह के चंगुल में फंस गए हैं और तू वहाँ सेलिब्रेट कर रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। वैसे एक्साइटेड क्यों हो रहा है? माफ करना दोस्त, ग्यारों को लगा कि मान सिंह की खबर मिल गई है, उसका पता चल गया है, तो अब तो पुलिस आके उसको पकड़ के लेके जाएगी। मैं जल्दी से पुलिस को फोन करता हूँ 100 पे। अरे पुलिस को खबर तो मिल गई है, लेकिन डाकू मान सिंह के हमारे कंपार्टमेंट में आने से पहले पुलिस तो हरगिज नहीं आएगी। दुआ कर योमैन आ जाए, योमैन आ जाए यार। यारो दादी कू, आपने बिल्कुल सही कहा था कि डाकू मान सिंह खुद ब खुद सामने आएगा, और वो सामने आ गया। मैंने सब सुन लिया है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, तू जल्दी जा। ओके दादी कू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.